जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में ऑरेंज सिटी हेयर एंड ब्यूटी क्लब तथा ब्यूटी डे टू डे द्वारा मी प्रतिभावन पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के विविध क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छूकर समाज के सामने आदर्श रखने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर अप जोया शेख, शिवानी दानी, प्रियंका ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस दौरान विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मी एंड मॉम कार्यक्रम में बच्चों और उनकी मम्मियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे पहले जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑरेंज सिटी हेयर एंड ब्यूटी क्लब तथा ब्यूटी डे टू डे का मैं डायरेक्टर, आज हमने यहाँ पे महिला दिन के उपलक्ष्य में प्रतिभा पुरस्कार का आयोजन किया था। उसमें 50 से ऊपर प्रतिभावंत महिलाओं ने सहभाग लिया। उसमें मी एंड मॉम कॉम्पिटिशन और मॉम एंड मॉम कॉम्पिटिशन का भी आयोजन हमने किया गया था। टैलेंट हंट शो में तो लोगों ने अपना टैलेंट, हुनर काफ़ी महिलाओं ने और ब्यूटिशियन ने यहाँ पे दिखाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि सबका सहभाग बहुत बढ़िया था। विनर्स को हमने ट्रॉफी देके और जो अवार्डीज थे उनको ट्रॉफी देके सम्मानित किया और शॉल और पगड़ी से उनको सम्मानित किया। हमारे आज के जो गेस्ट थे वो शिवानी दानी जी, जोया शेख मैम और प्रियंका ठाकुर मैम, उनका भी सहकार्य हमें बहुत बढ़िया लगा। और नो डाउट आप लोगों की वजह से हम लोग छाए रहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन ऑल्सो। थैंक्स एवरीबडी फॉर कमिंग। नमस्कार, ऑरेंज सिटी हेयर एंड ब्यूटी क्लब से मैं उज्ज्वला। आज हमारे यहाँ जागतिक महिला दिन का प्रोग्राम हुआ है। वहाँ पे आज बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, जैसे कि प्रगति ठाकुर मैम, जोया शेख मैम और शिवानी दानी मैम, सब ने आके हमें बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छा आज का हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। हमारे पूरे ब्यूटिशियन टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेस किया है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ उज्ज्वला शिरोडकर। इसके साथ ही विविध क्षेत्र में कर्तृत्व सिद्ध करने वाली महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर अप जोया सिराज शेख, इन्हें विदर्भ ए वतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान जोया सिराज शेख और सिराज शेख, इन्होंने महिला दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया को साझा किया है। ये कार्यक्रम हर साल प्रदीप मारुतकर जी वुमेन्स के लिए करते हैं। वो चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में, जैसे उनका ब्यूटी डे टू डे और ऑरेंज सिटी ब्यूटी क्लब का उनका एक वो ये चलाते हैं, जिसमें वो शायद कुछ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो हर साल ऐसे ही कुछ एक्सपो, ब्यूटी एक्सपो और ऐसे प्रोग्राम्स वो हर साल करते हैं, ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। तो वो हर साल महिलाओं को इन चीज़ों में उन्हें कैसे सक्षम होना है और कैसे उन्हें आगे आना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, तो इसके लिए वो हर साल मी प्रतिभावान प्रतिभा पुरस्कार करके वो एक शो करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए कि वो आगे आकर यहाँ पे काम करते हैं और उन्हें वो इस ऊर्जा के साथ में काम करते, इस एनर्जी के साथ में काम करते कि उनको पता है कि हमें साल में एक हमारा एक शो होने वाला है जिसमें हमें एक एनर्जी मिलेगी। तो मैं उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ऐसे ही वो शो आगे करते रहे और हर बार शो में कुछ अलग करने की कोशिश करें। मैं देखो, मेरा हमेशा से ये रहा है, जब भी आपने मेरा इंटरव्यू सुना होगा, मैं हमेशा से कहती हूँ औरत अपने आप में बहुत बलवान है, वो इतनी उसमें एनर्जी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। तो मेरा ये बोलना है कि हर औरत ने अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशात को, जिसे भी ज़िंदगी में कुछ करना हो, जिसे भी ज़िंदगी में कुछ पाना हो, तो वो बेशक उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म खुले हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें वो आगे आकर काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपने सपनों को उड़ान दीजिए, पंख भरिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे प्रदीप जी मारोतकर जो है ये हर साल इवेंट करते हैं, आज उन्होंने बहुत अच्छा महिला दिवस पे इवेंट रखा है, शायद ब्यूटिशियन से रिलेटेड ज़्यादा है। आजकल में सक्सेस बनो या कहीं शादी का फंक्शन हो या कहीं भी, तो ब्यूटिशियन का तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी मैं देख ही रहा हूँ यहाँ पे एक से एक मसनदे भी आ गई है, शायद ज़माने के हिसाब से ब्यूटिशियन भी काफ़ी चेंज होते हुए जा रहा है। और महिला दिवस से हर महिला से ये अपेक्षा करूँगा क्या अपना समय ना खोते हुए आप आगे बढ़ो और जितना जल्दी आप वर्क करेंगे
उतनी आपको तरक्की मिलेंगी, ये हमारा वादा है। अभी सभी महिलाओं को अपने अपने कार्यालय के लिए उन्होंने प्राइज़ दिया है, मैं तो उनका शो देखा नहीं है, मैं लेट आया हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों को मैं यहाँ देखा हूँ तो उनके जिसमें जो जोश देखा हो, ये जोश उनका सक्सेस करने का कारण है, बड़े होके बहुत बड़े आदमी बनेंगे, मेरा वादा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।